नमस्कार, मैं नीता सैफी। देख रहे हैं आप महाखबर। देश की 10 बड़ी खबरों के लिए देखिए हमारा खास बुलेटिन टॉप 10 न्यूज। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 480 मरीजों की मौत, अब तक 1,34,000 ने दम तोड़ा। बिहार विधानसभा स्पीकर के लिए विपक्ष द्वारा उम्मीदवार आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी होंगे प्रत्याशी। भारत ने 25 पाकिस्तानी कैदियों को किया रिहा, अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा। सीएम केजरीवाल की पीएम से मांग, पड़ोसी राज्यों में पराली से होने वाले प्रदूषण पर दखल दें। चक्रवाती तूफान निवार पर पीएम मोदी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी को दिया मदद का आश्वासन। महाराष्ट्र में शिवसेना एमएलए प्रताप सरनाइक के ठाणे स्थित आवास कार्यालय पर ईडी की छापेमारी। चेन्नई और कांचीपुरम में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। हैदराबाद के सांसद ओवैसी का बयान, अगर वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या है तो क्या कर रहे हैं अमित शाह। अब गुरुग्राम शादी समारोह में जाकर मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना करेगी पुलिस, पुलिस आयोग का आदेश। टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे से हो सकते हैं बाहर। जिन खबरों का होता है आप पर असर, उन पर है हमारी नजर। देश और दुनिया की आपसे जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए महाखबर। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक और शेयर करें। खबरों से जुड़े सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे होगी अगली बार मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।